अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है, ये आप कह रहे हैं कि ब्रॉडस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसका सेकंड पार्ट है। और आज के लेक्चर में हमने कुछ नई चीजों को डिस्कस करना है। जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे हमने एसिड और बेस को डिफाइन किया था, तो आज हम देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता क्या है, और एम्फोटेरिक टर्म क्या है, एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ब्रॉडस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर लिया था, आज इस लेक्चर में हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे कि कल आपने देखा था कि अगर लेट सपोज मैं एसिटिक एसिड लेता हूं और एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाता हूं विद वाटर, यानी डिजॉल्व करता हूं इनसाइड वाटर, ठीक है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत एसिटिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है, दे देता है, डोनेट कर देता है टू वाटर, ठीक है। और हमने देखा था कि हम गेट करेंगे एसिटेट आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन, यानी HCO पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों को यह बात बताई थी कि अगर आप ये देखें, ये वो सब्सटेंस के जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा, ठीक है, प्रोटॉन इसने देना है, रिलीज करना है, डोनेट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ने कहा था कि जो डोनर स्पीशीज होती हैं, दैट विल एक्ट एज एन एसिड, ठीक है, ये एसिड के तौर पर बिहेव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एसिड हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, तो इसमें आप वाटर देख रहे हैं जो कि एक्सेप्टिंग स्पीशी है प्रोटॉन को, ठीक है। तो चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग स्पीशी है, तो इसको हम कहेंगे बेस। ये क्या है, बेस। ये स्पीशी के जो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, इसको हम एसिड कहते हैं। ये जो स्पीशी है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। अब देखें, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये सिंगल वे रिएक्शन, यानी कि वन साइडेड रिएक्शन नहीं है, डबल साइडेड रिएक्शन है, टू वे प्रोसेस है। रिएक्शन में फॉरवर्ड भी होना है, रिवर्स बैक भी होना है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स मिलने के बाद प्रोडक्ट को बना ही रहे, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से मिलने के बाद, रिएक्ट करने के बाद या डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से रिएक्शन की फॉर्मेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें, तो जब ये रिएक्शन वापस जाएगा, तो दोबारा से जब रिएक्शन वापस जा रहा होगा, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोनियम आयन बनाया है, इसमें आप HCO पॉजिटिव लिखेंगे, ये जो हाइड्रोनियम आयन आपने डेवलप किया है, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन जो एच पॉजिटिव इसने एक्स्ट्रा लिया था, वो एच पॉजिटिव वापस ये रिलीज करेगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोनियम आयन एच पॉजिटिव है, ये जो एच पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा इसकी कैरी कर रहा है, ठीक है, ये वापस रिवर्स रिएक्शन के अंदर ये एच पॉजिटिव वापस से रिलीज कर देगा, ठीक है। और जो एच पॉजिटिव ये रिलीज करेगा, वो ये एसिटेट आयन दोबारा से एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स रिएक्शन के अंदर, चूंकि ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फिर ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है रिवर्स रिएक्शन के अंदर, और ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एसिड और बेस हम इस वक्त कह रहे हैं, इसको पिछले से डिफरेंशिएट करवाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां पर, ये हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, और ये हमारे पास क्या है, यहां पर एक्ट कर रहा है एज अ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ये एज अ कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से कि आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एसिडिक एसिड ने प्रोटॉन रिलीज किया और डोनेट करते हुए एज अ एसिड बिहेव किया, वाटर ने जो प्रोटॉन एसिडिक एसिड ने रिलीज किया था, डोनेट किया था, वो एक्सेप्ट कर लिया, तो चूंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। और जब रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब रिएक्शन वापस रिवर्स बैक होगा, जब रिएक्शन वापस रिवर्स बैक होगा, तो उस केस में आप देखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन जो है, वो प्रोटॉन जो एक्सप्रेस ने लिया था, वो रिलीज करेगा, और जो एसिटेट आयन है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इट मींस कि ये एज अ एसिड, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, और ये एज अ बेस, यानी कॉन्जुगेट बेस के तौर पर बिहेव करेगा। तो यही सबसे पहला पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस करना है। प्रॉपर डेफिनेशन राइट करते हैं कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे ले चलूंगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, और फिर हम आगे चलेंगे, इसको डेफिनेशन को रिलेट करेंगे विद इस इक्वेशन, ठीक है, और फिर आगे की तरफ एम्फोटेरिक टर्म एक हमने पढ़नी, वो हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड,
देखिए जनाब, कॉन्जुगेट एसिड की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड का मतलब है कि वो सब्सटेंस के जो बना, किससे बना भाई, ठीक है, बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, बल्कि ये जाहिर सी बात है क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है यहां पे, बाय बेस, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या है, द स्पीशी दैट विल फॉर्म बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। ये लिख लेते हैं यहां पर, मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। स्पीशी दैट इज फॉर्म बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। कैसे देख लें आप, ये कैसे बना, आपने देखा ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कैसे बना है, ये तब बना कि जब इस बेस ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया फ्रॉम दिस एसिड, ऐसे ही ना, ये कब बना, ये कैसे बन गया भाई, ये स्पीशी कैसे बन रही है, ये स्पीशी इस तरह से बन रही है कि जब ये बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो इट मींस कि ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, अप्लाई होती है कि वो स्पीशी के जो बनती है बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, ये स्पीशी बन रही है जब ये बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो उससे कॉन्जुगेट एसिड डेवलप हो रहा है, इसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। अब कॉन्जुगेट बेस की तरफ आ जाते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि द स्पीशी दैट इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड। आप देखें यह है कॉन्जुगेट बेस, और ये कैसे बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है कि जब आपका एसिड जो था, ठीक है, वो प्रोटॉन रिलीज कर दे। कॉन्जुगेट बेस कैसे बन रहा है कि जब हमारे पास क्या होगा कि जो इनिशियली टॉपिक हमारे पास एसिड था वो प्रोटॉन रिलीज कर दे, ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तभी कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख रहे हैं आप लोग, सो आई थिंक सो कि डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, समझ आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा कि जो आपको लगे कि डिफिकल्ट है और आपको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो, होपफुली आपने ये पॉइंट जो है वो गेट कर लिया होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक और एग्जांपल आपको दूं, फिर हम रिलेट करेंगे इन डेफिनेशंस को उस एग्जांपल के साथ, और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो है हम देखें, जैसे कि हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं विद लेट्स सपोज अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है, अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं HCl को विद अमोनिया, ठीक है, तो इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है और इसकी वजह से हमारे पास बनता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में बनता है Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखें कि इस रिएक्शन के दौरान HCl वो स्पीशी है जो प्रोटॉन रिलीज कर रही है, डोनेट कर रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि ये हमारे पास एज अ एसिड बिहेव कर रही है और ये चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो ये एक्सेप्टर है, बेस कहलाएगी। अगर आप इन पे गौर करें तो इनमें क्या है, ये चीज जो है जो कि एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन से बना है, ठीक है, यानी कि जब बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो उससे बनी है, रिवर्स सेक्शन के दौरान ये वापस जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन इसने लिया था वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये एज अ कॉन्जुगेट एसिड बिहेव करेगी, यहां पर कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक हो गया। तो ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है, इसलिए कि ये बना किससे है कि जब एक एसिड ने प्रोटॉन रिलीज किया और प्रोसेस जो रिवर्स होगा, प्रोसेस रिवर्स रिएक्शन होगा, उस दौरान ये क्लोराइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम अमोनियम आयन, ठीक है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एज अ कॉन्जुगेट बेस के तौर पे बिहेव करता है। सो होपफुली आपने कॉन्जुगेट एसिड और बेस की टर्म्स को एक्सप्लेन कर लिया, जो मैंने किया है वो समझा होगा आपने, ठीक है। अब एक टर्म हमारे पास रह चुकी है जो कि है एम्फोटेरिक, उसको हम डिस्कस करते हैं,
और फिर आगे की तरफ को मूव करेंगे। तो दी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? देखिए, जहां तक बात है एम्फोटेरिक की, तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स के जो एसिड के तौर पर बिहेव कर सकते हो एज वेल एज बेस के तौर पर बिहेव कर सकते हो, इस तरह के कंपाउंड को एम्फोटेरिक कहते हैं, कि जिनकी ड्यूअल नेचर होती है ये एम्फोटेरिक होते हैं। लिख लेते हैं यहां पर डेफिनेशन, द कंपाउंड्स कंपाउंड्स दैट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस बेस डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक हो गया। अब एग्जांपल देके फिर वापस डेफिनेशन पर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, वाटर को हम अमोनिया से रिएक्ट करवाएं, NH3 से रिएक्ट करवाएं, ठीक है। तो इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव और साथ में बनता है OH नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आप गौर करें इस रिएक्शन पे तो आपको याद होगा ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट में यही बात डिस्कस की थी कि वो कंपाउंड के जो प्रोटॉन रिलीज करेगा वो एज अ एसिड बिहेव करता है, तो ये हमारा एज अ एसिड बिहेव करने वाला कंपाउंड हुआ, ठीक है। और अमोनिया जो है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक हो गया। अब मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं आप लोगों के लिए, जरा वो भी देखिएगा कि अगर मैं वाटर और HCl को रिएक्ट कर दूं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे पास बनेगा H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आप इस सेक्शन पे बात करें तो बिल्कुल बातें सारी उल्ट गई, कैसे भाई, ठीक है। देखें इस सेक्शन के दौरान आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन रिलीज कर रहा है और वाटर को, वाटर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि HCl प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो यहां पर ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है, ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड है वाटर, वो यहां एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, यहां एज अ बेस बिहेव कर रहा है, यानी कि ये जो नेचर ऑफ कंपाउंड है ये डिपेंड कर रही है दूसरा एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड्स के जो एज अ एसिड भी बिहेव कर सकते हो, एज अ बेस भी बिहेव कर सकते हो, ये किस पे मुनासिब करता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन हमने क्या प्रोवाइड की है, जो रिएक्टिंग स्पीशी अदर है वो क्या है, ठीक है, इस इन चीजों पर डिपेंड करता है। उस तरह के जो है सब्सटेंसेस को, कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपने ये टर्म एम्फोटेरिक भी समझ ली होगी, कोई प्रॉब्लम जो है अभी स्टिल आपको फेस नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, याद करें, रिकॉल करें जरा कि ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि प्रोटॉन रिलीज करने वाला एसिड होगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा, ठीक है। लेकिन बहुत से कंपाउंड स्टिल ऐसे हैं कि जिनकी नेचर को ये ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उनमें से जो चंद एक है मैं उनकी आपको जो है एक बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये अगर हम देखें तो ये एज अ एसिड बिहेव करता है, ठीक है, ये एज अ एसिड बिहेव करता है, ठीक हो गया। ये एज अ एसिड बिहेव करता है लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रोटॉन जो है वो रिलीज करने की साहित नहीं, ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है, सच कोई इसमें एबिलिटी नहीं कि प्रोटॉन ये है नहीं के बाद प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता लेकिन स्टिल एज एसिड है और हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थ्रू ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट, ये एक लिमिटेशन है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड भी है, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और ये बिहेव करती है एज अ बेस। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कहीं पर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन नाम की कोई चीज नजर आती है आप लोगों को, ये रिलेट कर सकते हैं विद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन नहीं, लेकिन स्टिल ये बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है, तो ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या आ गई, लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दोबारा से फिर दोबारा जैसे हमने आर्गिनेस में कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी बेस पे हम नेक्स्ट थ्योरी पे जाएंगे, सो ब्रॉन्सन ग्लोरी कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बाद हम एक नई थ्योरी पे जाएंगे। सो होपफुली आपको यहां तक ब्रॉन्सन ग्लोरी का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ चुका होगा, स्टिल कोई कंफ्यूजन रहेगी हुई सो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कोई क्वेश्चन करें, मैं आपको जरूर जो है उसका आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।